पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीजेपी की ओर से गुरुवार को अंबेडकर जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसी दिन बीजेपी पूरे प्रदेश में जिले से लेकर मंडल स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाकर दलितों के बीच जा रही है। बीजेपी के केंद्र और यूपी सरकार के मंत्री प्रदेश भर में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को मुरादाबाद जनपद में राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर पहुंचे, सामाजिक समरसता दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित टिमिट सभागार के कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां वर्ग विशेष की राजनीति कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी जाति या वर्ग के नाम पर वोट नहीं मांगे, वो विकास की बात करते हैं जो बाबा साहब का सपना था। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। साथ ही आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत फूल मालाएं पहनाकर और शॉल उड़ाकर किया गया। स्मार्ट साउंड। लगातार बहुत 8 साल तक करीब करीब एक पार्टी का राज रहा है, उसके सहयोग से सरकारें चलती हैं और गरीबी हटाओ, गरीबों के उत्थान और सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात होती रही। लेकिन लंबे टाइम तक राज करने के बाद भी जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था वो साकार नहीं हुआ। वो साकार हुआ 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में आई और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे, उस पर जब काम करना शुरू हुआ तब वो सपना साकार होना शुरू हुआ। अभी आप के सामने कई वक्ताओं ने रखे भी होंगे, अभी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इतने लंबे टाइम तक एक परिवार में तो भारत रत्न दिए जा रहे थे, जेल से निकालने का पद्म भूषण की उपाधियां दी जा रही थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जब कांग्रेस का राज खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सहयोग से सरकार बनी तो पहली बार तब भारत रत्न की उपाधि देने का काम किया गया। हिंदू धर्म के धर्मांतरण को रोकने का सबसे बड़ा काम अगर किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, जो अवरोध पैदा करने का काम किया है, अपने समाज को अपने ही समाज में रहने के लिए जो प्रेरणा दी है, सीख की है, इनका ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम था। इसी कदम के आधार पर देश को आजादी मिली। देश को आजादी मिलने के बाद देश किसी संविधान से चलता है, ये तय हुआ कि लिखित संविधान से चलेगा। लिखित संविधान के लिए एक कमेटी बनी, बहुत बड़ी संख्या थी संविधान विशेषज्ञों की, कानून विदों की, तो उसके अध्यक्ष बने बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान निर्मात्री समिति के। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।